हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम किसी भी इमेज का फेस चेंज कर सकते हैं विद सिंपल ट्रिक। तो आइए बिना टाइम गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक इमेज ली हुई है मॉडल की, तो अब हम इसमें इसका फेस चेंज करके दिखाएंगे। तो अगर जिससे भी आपने इसका फेस चेंज करना है तो आप वो इमेज डाउनलोड कर लो। जैसे कि ये है, बिल्कुल ही देखिए अपोजिट है। बस अब आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट के लिए सिलेक्शन टूल में जाएंगे, हम फेस का सिलेक्शन करेंगे। जैसे आप फेस का सिलेक्शन लेंगे, आप कंट्रोल सी से कॉपी करें और जाएं फिर से अपने उसी पे जिस पे आपने चेंज करना है और यहाँ के आप पेस्ट कर दो। ठीक है, जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है कि इसकी ओपेसिटी कम करनी है ताकि हम इसकी अलाइनमेंट देख सकें। तो आप यहाँ से 50 या नंबर दबा के भी कर सकते हो, जैसे 50 में हो गया। और हम कंट्रोल टी दबाएंगे और आप इसको सेट करेंगे इसके फेस के साथ थोड़ा बहुत अलाइनमेंट, ताकि जब ये एडिट हो तो ये सही लगे। ठीक है, जब ये हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको सिलेक्ट करना है इमेज को। पहले हम इसके ओपेसिटी बढ़ा देते हैं, मतलब हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम सीधा जाएंगे सेलेक्ट टूल पे, फिर मॉडिफाई पे जाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पे ये देखेंगे कि 10 हो, 10 से क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है कि ये उसके आप देख रहे हो कि सिलेक्शन अंदर ले लेता है। तो जैसे सिलेक्शन अंदर लेगा आपने क्या करना है, सिंपली नीचे के लेयर पे जाना है और जो ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है उसको डिलीट कर देना है नीचे के लेयर पे। तो आप देख रहे हो कि क्या हुआ है। ठीक है, अब सिंपली आपने क्या करना है, इन दोनों इमेज को सिलेक्ट करना है और जाना है एडिट पे और फिर जाना है ऑटो ब्लेंड लेयर पे। इससे क्या होगा कि जो पिक्चर है उसका वो फेस को अलाइनमेंट कर देगा और कलर कॉम्बिनेशन में उस हिसाब से उसको अलाइनमेंट कर देगा। तो जैसे हम क्लिक किया तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट होता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्लिक करोगे तो वो आपको मॉडिफाई करके फेस दिखा देगा। और देखिए बिल्कुल ही सिंपल से इसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट कैसी इमेज थी और अब कैसी इमेज हो गई। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।